करनाल के हनुमान गली में रविवार रात को अज्ञात चोरों द्वारा एमएलए मल्होत्रा के घर में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अज्ञात चोर लाखों की नकदी व कीमती जेवर चुराकर जब्त हो गए। मौके पर सिटी थाना पुलिस ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया और फोरेंसिक टीम बुलाकर फिंगरप्रिंट लिए गए और जांच शुरू कर दी गई। मकान मालिक एमएलए मल्होत्रा ने बताया कि वह मकान को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे, तो पीछे से रात को चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कीमती जेवर व नकदी पर हाथ साफ कर शहर के बीचों बीच व्यस्त इलाके में स्थित हनुमान गली में हुई चोरी की वारदात से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने कहा कि यहां पर चोरी की वारदात कई बार हो चुकी है, जिसे यहां पर रहने वाले लोगों में चोरों का आतंक छाया हुआ है। मौके पर सिटी थाना पुलिस ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। एमएल मल्होत्रा जी का मकान है, मकान नंबर 777777 है, गली के अंदर शीश महल चौक के ऊपर इनका मकान है। ये यहाँ पर पिछले 50 साल 60 सालों से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हम इनके सामने भी पैदा हुए हैं। हमारी गली में ये 5वीं से 6वीं वारदात है। कोई ना कोई आसपास का या कोई ऐसा भेदी है कि जो कि पता करता है कि कौन घर में है कौन नहीं है, और यहाँ पर सेंध लगाकर वो चोरी की जाती है। जिस घर में ताला होता है उस घर में ही चोरी हो रही है। इस घर में कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, और पुलिस कार्रवाई FRI दर्ज करती है, पहले भी दर्ज करी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है, अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और कार्रवाई पे जोर दें कि जल्दी से जल्दी उन चोरों का पता लगा जा सके और इनकी जो चोरी हुई है उनकी सामान की भरपाई हो सके। क्या क्या सामान चोरी हुआ? इनकी नकदी गई है और जेवरात गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? मैं इनके साथ वाले मकान में ही रहता हूँ। हमारे पंचकुला में मेरी बहू के फादर की मैरिड लड़की थी, 50 साल की हो गए उनकी शादी को। उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं अपने परिवार सहित पंचकुला गया हुआ था। रात को हमने वहाँ फंक्शन किया और घर के में ताले चोरे लगा दिए थे और पड़ोसियों को भी कह गए थे। रात को सुबह मुझे 4 बजे फ़ोन आया कि अंकल जी आपके मकान के ताले टूटे पड़े हैं, अंदर के कमरे के भी हैं। और मैं वहाँ से भागा, मेरी बेटी वहाँ से भागी, मेरी बहू वहाँ से भागी, हम सारे यहाँ आके देखा और हमारे घर के अंदर कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। जो हमारी नकदी पड़ी थी वो तो सारे साफ हो गई। कितना लगे? नियर अबाउट 1 लाख के करीब तो नकदी मेरे लेगी। नीचे मैं रहता हूँ अलग, और ऊपर मेरी रहती बहू, उसके ज्वेलर भी गए और उसका कैश भी गया, क्योंकि उसने कुछ कैश अपने बेटे के लिए रखा था जिसको फॉर्म भेज दी थी। वो सारा पैसा उड़ गया उसका। उसने कहा अभी 5-6 लाख के नीचे आ गया। अब हम ये करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अरेंजमेंट करे करवा के लिए हमारी गली के अंदर। मुझे इस गली में रहते हुए 70 साल हो गए और मेरी गली में ये फंस जाओ कि इस महीने रेट के अंदर ये चौथी चौड़ी होती है। इससे पहले आज तक इस मोहल्ले में चोरी हुई नहीं है। मुझे यहाँ 74 साल हो गए इस मकान में बैठे हुए। तो क्या नाम आपका? ML मल्होत्रा, मदन लाल मल्होत्रा, रिटायर फ्रॉम NDRI। मुझे 19 साल हो गए रिटायर हुए। नाउ आई एम 79 ईयर्स ओल्ड। पुलिस पहुंची है? पुलिस आई है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके चली गई है। उनका काम क्या, वो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे हर जगह, बाकी सीरियसली लेते तो पता लग जाएगा, नहीं तो 12 तो नुकसान हो गया। किस टाइम की वारदात है ये? वैसे मैंने पड़ोसी कहते हैं कि हमने रात को 2 बजे देखा था आपके ताले लगे हुए थे, हमने ऊपर छज्जे में देखा आपका ताला लगा था, उसके बाद आपके सुबह पता लगा कि आपके ताले टूटे पड़े। तो ये चोरी तकरीबन 2-3 के बीच में हुई है, 2:30 बजे हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है। वो हमारे अलमारियाँ 3 और 4 अलमारियों के लॉकर तोड़ गए, कैश ले गए, सोना ले गए, और बेड अलमारियाँ अटैचियाँ सब खोल खाल के सब फेंक गए। वो जो चीज़ उनको चाहिए।